क्या आपको भी मेरी ही तरह बिरयानी खाना बहुत पसंद है? वैसे मुझे तो वेज बिरयानी खाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन आज हम बिरयानी नहीं बनाएंगे, मशरूम पुलाव। जी हाँ, एक ऐसा पुलाव जो बिरयानी को भी फेल कर देगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो पुलाव का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है चावल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ हाँ, वो तो सबको ही पता होगा, लेकिन चावल हमें लेना है लंबे वाला, टुकड़ा चावल नहीं लेना है। अच्छे से धोने के बाद उसे 30 मिनट आप कम से कम सोक करके रख दीजिए। उससे चावल आपका खिला खिला बनता है, प्लस जल्दी भी कुक हो जाता है। तो सबसे पहले हम चावल को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी और कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। हल्दी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे पर्सनली हल्दी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे अपनी ग्रेवी, जिसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, कुछ काली मिर्च के दाने और लौंग, और जितना तीखापन आपको चाहिए उतनी सूखी लाल मिर्च आप ले लीजिए। मैंने कुछ 10 से 12 लिए हैं। 1 टुकड़ा कड़ी पत्ता का लिया है और 1 इंच टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। और बस गरम तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद सभी सूखे मसालों को ठंडा करने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में हम इन्हें पीस लेंगे। मसाले को पूरी तरीके से बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा मसाला हम रखेंगे। अब मसाला पीसने के बाद मैंने इसी में टमाटर ऐड किए हैं। साथ में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, और बस आपका मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि है मशरूम, क्योंकि हम मशरूम पुलाव बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो मशरूम है उसके पीसेस को मैं बड़ा ही रहने दूंगी। जो लास्ट में इसकी स्टेम होती है उसको बस चॉप करके, फाइन चॉप कर लूंगी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। बढ़िया से मशरूम चॉप हो चुकी है, अब हम तैयारी करते हैं इसको मैरिनेट करने की, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही, साथ में 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च और 2 चम्मच भर के अच्छे से सूखा धनिया, साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। बस बढ़िया से सभी मसालों को अच्छे से दही में मिक्स करने के बाद हम अपनी जो मशरूम चॉप की थी उनको इसमें डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं और जो उसका एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने स्ट्रेन कर दिया है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, जिसमें जीरा चटकाएंगे बढ़िया से, और बस जो मशरूम हमने छोटी स्टेम चॉप की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ साथ जो मैरिनेट करी थी वो भी ऐड कर दी है, और बढ़िया से जो हमने ग्रेवी का मसाला रेडी किया था ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी मसालों को अच्छे से कुक करेंगे। जो बचा हुआ दही था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ। बात तो सही है। बस सभी मसाले अच्छे से पक रहे हैं, तो साथ में मैंने यहाँ पर मटर भी ऐड कर दी है, बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी का। 1 से 2 मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक। देखिए कितने अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है और जो हमारे मशरूम और मटर हैं वो भी कुक हो चुके हैं। साथ में मैंने यहाँ पर पनीर भी ऐड किया है। मैंने अलग से कोई भी मसाला नहीं ऐड किया है क्योंकि सभी मसाले दही में अच्छे से ऐड कर चुके थे, और बस ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से पककर तैयार है। ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। स्वाद अनुसार कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और बस जो राइस हमने बॉईल करके रखे थे उसको भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। 80% यहाँ पे मैंने राइस कुक करे हैं, कम्प्लीटली कुक नहीं करना है क्योंकि वो स्टीम में ही कुक हो जाते हैं। बढ़िया से आपका वेज पुलाव या फिर कहें मशरूम पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है, और सच में इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गर्मा गर्म पुलाव को सर्व कीजिए बूंदी रायते के साथ।
सच बताइए, क्या आपको देखकर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि इस पुलाव में हमने कोई भी लहसुन या प्याज का यूज नहीं किया है? और सच में टेस्ट में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें लहसुन और प्याज के बिना बनाया है। और क्यों, इतना टेस्टी जो बना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।